Subscribe Ada twenty four seven and press the bell icon. Hello, everyone, welcome to other two four seven, Ada twenty four seven. कैसे हैं आप लोग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चलिए फटाफट से आ जाइए और आज का टॉपिक आपको पता ही है हम स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट सो बेसिकली अभिषेक आई एम लेट बाय अ मिनट रीजन बिहाइंड आई वाज नॉट एबल टू फाइंड स्टूडेंट्स सो दैट्स आई वाज अ लिटिल आई वाज अ लिटिल लेट बाय अ मिनट एंड आई थिंक दैट्स एक्सेप्टेबल है ना सो गुड मॉर्निंग एवरी टू गुड वेरी गुड सो लेट्स नॉट फोकस ऑन बाई हाउ मेनी मिनट्स आई एम लेट लेट्स मोर फोकस ऑन दी कॉन्टेंट दैट विल बी डिस्कसिंग तो आज टोटल हम ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्पेसिफिकली स्टैटिक जी के से रिलेटेड है राइट एंड कल की क्लास के बारे में मैं बता देती हूँ थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सो बेसिकली कल क्या हुआ सेशन स्टार्ट हुआ बट चार क्वेश्चन के बाद सेशन हैंग हो गया तो उसके लिए जस्ट दस मिनट बाद ही एक और सेशन प्रिपेयर करा है तो यू कैन फाइंड इट बाय क्लास वन एंड क्लास टू तो चार क्वेश्चन उसके अंदर है एंड बैलेंस क्वेश्चन दूसरी साइड में है सो गुड मॉर्निंग एवरी इट इज़ सो नाइस कि आप सब लोग आ गए हैं एंड मैंने कल एक पोल uh, रन करा था जिसमें मुझे बच्चों ने बोला कि आप टेन थर्टी आओ इंस्टेड ऑफ 11 और 11:30. थर्टी सो एज़ पर योर रिक्वेस्ट आई एम हियर एट 10:30 थर्टी

whether it is static, whether it is current affairs or any other type of questions, I'll provide you that in a PDF. So maybe on Sunday or Saturday by the end of the session you'll get a PDF which is related to your uh, the last week. Is that great? Is that good? So uh, a very good morning to all of you. so let's start right So technical uh, team please bring the PPT onto the screen. सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम बेटा लेट स्टार्ट बट बिफोर बिफोर आई कैन सी टू ट्वेंटी फोर पीपल वॉचिंग सीरियसली टू ट्वेंटी नाइन रैदर एंड आई वुड से टू थर्टी हाउ मेनी हाउ मेनी लाइक्स दैर आई एम आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट द सेशन हाँ पी सी त्रिपाठी मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल सही है मुझे लगता है एक बहुत फ्रेंडली बुक भी है ठीक है सो इट इज इवन फ्रेंडली अगर आप मैनेजमेंट uh, के लिए तैयार कर रहे हैं तो पीसी त्रिपाठी इज मोर देन इनफ

देन सबके लिए यूज़फुल होता है बेटा तो क्वेश्चन स्टार्ट करें चलिए लेट स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन मुझे हाइड कर दीजिएगा सो धरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन धरा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है वर्षा सबके लिए यूजफुल है डोंट वरी विशाल विल स्टार्ट विद मेन्स क्लास मेद क्लास एज वेल डोंट वरी ये बताइए फटाफट दरहा नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है बी क्विक जिनकी भी फर्स्ट क्लास है वेलकम ऑल ऑफ यू चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं रेगुलरली साढ़े दस पर आती हूं और क्लासेस लेती हूं राइट right? आरबीआई के लिए और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है तो बहुत कॉम्बिनेशन में आंसर्स आ रहे हैं Uh, कोई बोल रहा है यूपी कोई बोल रहा है राजस्थान एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन मध्य प्रदेश भी आंसर आ रहा है राइट सो लेट स्टार्ट सो देखो ध्यान रखना दरहा नेशनल पार्क ठीक है कहाँ पर है राजस्थान में है हाउ यू कैन रिमेंबर इट दर इज अ ट्रिक कॉल डॉक्टर के डी एस ये ट्रिक आप भी अपनी बना सकते हो बेटा मैंने अपने अकॉर्डिंग जो कंफर्टेबल थी मैंने वो बनाई है आप डॉक्टर के डी एस बना सकते हो सो so, एक हो गया आपका डेजर्ट रंथम्बोर, केसे केला दिव दरहा एंड एस से ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पर है राजस्थान में है ध्यान रखना ठीक है सो देर आर दीज मेनी नेशनल पार्क विच आर देयर वेर इन विच प्लेस राजस्थान डॉक्टर के डी एस इज अ ट्रिक दैट आई हैव मेड द नेम ऑफ द नेशनल पार्क इज डेजर्ट नेशनल पार्क रंथम्बोर नेशनल पार्क केलादियो नेशनल पार्क दरहा नेशनल पार्क एंड सरिस्का नेशनल पार्क ठीक है सही है चलते हैं आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर हियर इज राजस्थान लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन लेव इज द करेंसी ऑफ लेव इज द करेंसी ऑफ ठीक है आज याद हो जाना चाहिए ये सारा बाय द एंड ऑफ दिस सेशन दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स यू शुड नॉट गो एंड रिवाइज अगेन मतलब यू जस्ट हैव टू रिवाइज इट अगेन फिर से याद नहीं करना है गुड मॉर्निंग अनुराग प्रमोद वेरी गुड एंड आई रिमेंबर प्रमोद वेरी वेल वेरी गुड ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लेव इज द करेंसी ऑफ विग्नेश नथिंग इज सफिशेंट बेटा बट येस आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज आई कैन ठीक है सो द आंसर्स आर देयर ऑन दी स्क्रीन सारे बच्चे बोल रहे हैं द ऑप्शन इज बल्गेरिया राइट कैपिटल बताओ जल्दी से कैपिटल ऑफ बल्गेरिया अभिनय दैट्स रियली ग्रेट अभिषेक आई विल फॉर श्योर रिकमेंड एंड एव ऑलरेडी रिकमेंडेड इट एन ए वीडियो यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन हियर इट सेल्फ कैपिटल क्या है सुफिया ठीक है अल्बानिया का बताओ कैपिटल एज वेल एज करेंसी जल्दी से बताते जाओ सीक्वेंस है सबका कैपिटल को कैप लिख रही हूं करेंसी को cu लिख रही हूं ठीक है जल्दी जल्दी बताओ मेरी राइटिंग थोड़ा सा गंदा हो सकती है बेटा आई एम रियली सॉरी फॉर दैट also. सो अल्बानिया की कैपिटल क्या है तिराना करेंसी क्या है दैट्स अल्बानिया लेक ठीक है नेक्स्ट बताओ अल्जीरिया इसकी इजी है दिस एंड दिस इज इजी राइट दिस इज एल ठीक है देन कैपिटल एंड करेंसी ऑफ ब्राजील तो as always it is very easy capital is brazilia and currency is yeah done very good very very good so let's move on to the next question without wasting much time the next question is on your screen the international day of the girl child is observed every year on international day of the girl child is observed every year on be quick to answer this question very good sneha abhinay pillu uh, vijay saddam प्रीतम कोई नहीं अब पता चल गया है सो वी आर गुड टू गो एटलीस्ट वी आर अवेयर ऑफ टू थ्री टू और थ्री मोर नाउ दिस इज अ कॉम्बिनेशन तुक्के लगने शुरू हो चुके हैं इलेवेंथ ट्वेंटी एथ क्योंकि मैम ने बोला था कि सितंबर वाला करंट अफेयर पढ़ा रही है तो हो सकता है सितंबर वाला हो मैं साफ साफ बहुत सारे बच्चों के तुक्के देख पा रही हूँ राइट एंड नाउ एवरी वन इज करे कॉमेंटिंग द करेक्ट आंसर बेटा इट इज इलेवंथ ऑफ अक्टूबर ठीक है सो द करेंट करेक्ट करेक्ट क्या हो गया है मुझे ओके सो द करेक्ट आंसर इज इलेवेंथ ऑफ अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड एंड आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है थोड़ा सा पार्टन इस देखो ना तो एस बी आई में भी इम्पोर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट नाउ कमिंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन राणा प्रताप सागर डैम इज बिल्ड ऑन विच अमंग रिवर्स जल्दी से येस प्रीति वेलकम टू द्लास मीनू हाँ हम रेगुलरली क्लास लेते हैं टेन थर्टी पर पहले इलेवन पे लेते थे अभी टेन थर्टी पर संगीता नी नॉट बी सॉरी बट मेक श्योर कि आप अगली बार नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट करें और इसको कभी ना भूलें ठीक है सो वॉट इज द आंसर राणा प्रताप सागर डैम जल्दी से करो ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हैं इलेवन तक कंप्लीट करना है हमको सो राणा प्रताप सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर इट इज ऑन देखो नर्मदा चंबल इट इज ऑन चंबल रिवर ठीक है और कहा पर है बेटा राजस्थान में है विच प्लेस रावत भाटा ओके नीलम वेलकम टू द्लास वेरी गुड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पेरियर रिवर इज लोकेटेड इन विच अमंग दॉलोइंग स्टेट्स पेरियर रिवर पेरियर एक नेशनल पार्क का भी नाम है तो ध्यान रखना जब भी ये वर्ड आए पेरियर एक नेशनल पार्क भी है वेरी गुड प्रमोद ओम बिरला बिल्कुल करेक्ट चंबल एमपी में भी है बेटा अभिनय और राजस्थान में भी फ्लो करती है वेरी गुड रक्षिता हेलो एवरी वन जो लोग अभी जुड़ते जा रहे हैं सो पेरियर रिवर इज केरला वेरी गुड सो द करेक्ट आंसर इज केरला बेटा पेरियर रिवर भी है और पेरियर नेशनल पार्क भी है. है ना और एक और बात ध्यान रखना देर इज वन मोर थिंग विच इज रिलेटेड टू केरला ठीक है अगर शोला करके कोई भी नेशनल पार्क पूछा जाता है राइट right. सो so, शोला बेस्ड नेशनल पार्क जिस भी नेशनल पार्क के uh, नाम में शोला वर्ड आ रहा है दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन केरला याद रखना ये बात ठीक है मूविंग अहेड वेरी गुड नेक्स्ट वन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है सो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय हेलो सनी थैंक्स मीनू राजू वेरी गुड विशाल करेक्ट अमरेश विग्नेश अरे बोला तो विग्नेश Uh, uh, जिनका वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा आप एक बार रिफ्रेश करके देखो बेटा बी क्विक वॉट इज आंसर? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय आई एम एफ की भी बता देती हूं मैं एक बार वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है आई एम एफ ठीक है नो 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 इट्स नॉट डब्ल्यू एच ओ बेटा नहीं आई एम एफ तो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक जिसके कहां पे है वॉशिंगटन डीसी और डीसी का फुल फॉर्म क्या है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया ठीक है आई एम एफ का फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल मॉनिट्री फंड राइट और हेडक्वार्ट इसके भी कहां पर है इसके भी हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में है ठीक है डब्ल्यू एच ओ के हेडक्वार्टर्स कहां पर है और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के कहां पर है इसके हैं बीजिंग ठीक है डब्ल्यू एच ओ जेनेवा दैट इज स्विट्जरलैंड तो करेक्ट आंसर हियर इज वर्ल्ड बैंक मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट Be quick. अच्छा मैं भूल गई हम वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ रहे थे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन से हैं रिसेंटली अपॉइंटेड किसी ने लिखा भी है प्रीतम ने लिखा है विग्नेश करेक्ट प्रतियोगिता दर्पण के बारे में बिल्कुल लास्ट में बता दूंगी एक बस बात ध्यान रखना वर्ल्ड बैंक के प्रेजिडेंट मैं बताना एकदम से दिमाग से निकल गया मेरे इट इज डेविड मालपास ये ध्यान रखना नाउ कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कायगा कहां पर है मैं इसको एक बार हटा देती हूं नाउ प्लीज हमारे जो कंट्री है ठीक है ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कोस्टल बॉडी के अराउंड होते हैं ज्यादातर ठीक है तो अब अगर हम एक बार लिस्ट आउट करें न्यूक्लियर पावर प्लांट जो गुजरात में आपका काकरा पर है ठीक है हरियाणा में गोरखपुर है गोरखपुर पावर प्लांट ठीक है कर्नाटका में कायगा है, ये ध्यान रखना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट देन महाराष्ट्र में दो हैं आपके एक है तारापुर दूसरा है जयतपुर ठीक है देन तमिलनाडु में कौन सा है कुड़ाकुलम और दूसरा वाला है कल्पक्कम लास्ट बचता है राजस्थान वो वहां पे कौन है एक और बचा है यूपी भी बचा है रावत भाटा या फिर राजस्थान अटोमिक पावर प्लांट ठीक है एक लास्ट यूपी में कौन सा है नरोरा ये है हमारे सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट थोड़ा ध्यान रखना इनका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है यहां से बेटा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इसका आंसर तो हमें पता है न्यूक्लियर तो uh, पावर प्लांट इट इज कर्नाटका मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन अमराबाद टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन जल्दी से बताओ अमराबाद टाइगर रिजर्व बी क्विक कल करंट अफेयर्स है क्लास में ध्यान से साढ़े दस पर आना ज्यादा क्वेश्चन लेकर आऊंगी कल बिकॉज यू पीपल ना कि थोड़े ज्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँ दिल ब्रिंग मोर क्वेश्चन बी क्विक मीन जब भी आप फ्री हो तो ध्यान रखना कि अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना शेयर नहीं करा हो तो शेयर कर देना चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो वो भी कर देना ठीक है तो अमराबाद टाइगर रिजर्व कहां पर है तेलंगाना करेक्ट बहुत सारे बच्चों ने दिया कंचन करेक्ट आंसर वेरी गुड शिवम करेक्ट अरुण गुप्ता करेक्ट वेरी गुड मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर्ड इन एग्जैक्टली अभिनय में डेली लाइव आती हूं टेन थर्टी पर अब से वेरी गुड प्रीति कंचन राकेश पीयूष क्योंकि अगर मैं दिखूंगी तो मैं फिर आंसर्स नहीं लिख पाऊंगी बेटा इसीलिए मैं नहीं दिख रही हूं अगर आप चाहें तो मैं दो तीन मिनट के लिए आ जाती हूं टेक्निकल टीम एक बार मेरे को दिखा दीजिए चलिए क्वेश्चन भी दिखा दीजिए कोई नहीं अगर रॉन्ग हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन और मैं दोनों दिख रही हूं अब ठीक है बेसिकली मुझे लिखना होता है ना बेटा फिर बार बार बोलना पड़ता है हटा दो आप मेरे को ले आओ इसीलिए तो हम बेसिकली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब तक मैं आपको नहीं दिखूंगी और जब क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको दिख जाऊंगी चलेगा तो करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर इज रोम इटली ठीक है अब मुझे हटा दीजिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर census 2011 is इज जल्दी से थैंक यू साई यादव चंदन नमस्ते बेटा संगीता पीयूष बेटा थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा इधर कर देते हैं क्योंकि थोड़ा मुझे लिखने की जगह मिल जाती है वॉट इज द करेक्ट आंसर दौड़ेगा मैम माम ओके सो बेटा देखो एक बात ध्यान रखना सेंसर्स इज़ वेरी है ना चाहे आपका, हो, या फिर आपका दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 919, योगेश ने भी सही लिखा है ठीक है एक्चुअली चार्ट हाई होता है बेटा कि मैं आप सबका नाम नहीं ले पाती राजेश ने सही लिखा है सर्वेश करेक्ट देन ओके मेरा नाम भी लीजिए अजीत आप आंसर तो दो तभी तो नाम लूंगी राकेश वेरी गुड सो थैंक्स निधि आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पोर्ट लुइस इज द कैपिटल ऑफ और इसकी करेंसी भी बता दो बेटा वैभव वेरी गुड रक्षित वेरी गुड मीनू करेक्ट मीनू एन मीनू यादव करेक्ट जय सिंह करेक्ट रोशन गुड मॉर्निंग कोई नहीं स्नेहा नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा बेटा जयप्रकाश करेक्ट अंजलि सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो बेटा पोर्ट लुइस इज कैपिटल ऑफ देखो मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम गलत ना हो दैट इज व्हाट आर इंटेंशन इज वेरी गुड आई नाउ आई कैन सी मेनी पीपल आर आंसरिंग यस सोशल इकोनॉमिक सेंसेस भी सोशल इकोनॉमिक सेंसेस भी कवर करना होता है बेटा शेयर शेयर द सेशन एंड ब्रिंग लाइक अगर आपको लगता है ना कि कुछ और सजेशन भी देना है आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाला करो मैं पढ़ती हूँ नहीं पीयूष कहां टफ क्वेश्चन है बेटा पोर्ट लुइस कैपिटल अच्छा देखो मैं इजी क्वेश्चन लाऊ और वो एग्जाम में ना आए तो कोई फायदा है क्या नहीं ना इट इज मॉरिशियस राइट एंड करेंसी करेंसी भी बताओ जल्दी से वो इजी होता है मॉरिशियन रुपी ही होता है ठीक है विच इज वेरी इजी नेक्स्ट वन A premier public sector bank, comma, prosperity पब्लिक सेक्टर बैंक the प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल इज the ऑफ विच अमंग लाइक दि स्ट्राइक का रेशो नहीं है जिन्होंने देखो बेटा लाइक कर दिया है उनसे तो मैं नहीं बोलूंगी है ना ये उनके लिए जिन्होंने नहीं करा बिकॉज आई कैन सी देर आर अप्रोक्सीमेटली थ्री थर्टी स्टूडेंट वॉचिंग ना हाँ बेटा सी आई वोट चेंज दी लेवल मेरा एम है कि आपको सिलेक्शन दिलवाना ये थोड़ी कि आपके आंसर यहाँ पे करेक्ट हो तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आई विल ब्रिंग दोज क्वेश्चन विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर पर्पज वो नहीं जो कि नहीं आएंगे और आप सिर्फ आंसर करते रहो कोई फायदा नहीं है ऐसा फिर तो करेक्ट आंसर क्या है इट इज सेंट्रल बैंक अब हम क्या करेंगे सीक्वेंस से सारा करते जाएंगे तो नंबर वन इज कैनरा बैंक वॉट इज दी टैग लाइन टूगेदर वी कैन सो देर आर लेस चांसेस ऑफ टैग लाइन बट फिर भी हम क्यों छोड़कर जाएं सॉरी आई आई हैव टोल्ड यू दी रॉन्ग आंसर बेटा एक सेकेंड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल था इट इज दाइन ऑफ कॉरपोरेशन बैंक राइट सेंट्रल बैंक ही क्या है एकदम से ध्यान से निकल गया सेंट्रल टू यू सिंस नाइनटीन इलेवन ठीक है करेक्ट आंसर इज कॉरपोरेशन बैंक और या फिर इसकी एक और थी एक और भी है ना टैगलाइन बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड ठीक है ये भी एक टैगलाइन है दो टैगलाइन है टुगेदर टुगेदर वी कैन इज दी टैगलाइन ऑफ कैनरा बैंक कॉर्पोरेशन बैंक की मैंने आपको बता दिया अ प्रीमियर पब्लिक सेक्टर बैंक कॉमर प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल इंडियन बैंक योर ओन बैंक वेरी गुड वेरी गुड यूनियन बैंक गुड पीपल टू बैंक विद ओके okay. है ना अब हेडक्वार्टर्स अपने आप कर लेना बिकॉज आई थिंक कर लोगे अपने आप है ना नहीं तो इंडियन बैंक मैंने कल बताया था जो ट्रिक थी दैट वाज आई स्क्वायर चेन्नई है यूनियन बैंक का भी कल बताया था कॉरपोरेशन बैंक भी कल बताया था कैनरा भी आई थिंक बताया था नहीं तो कैनरा नहीं बताया था तो बैंगलोर है इसका बैगलोर की ट्रिक होती है सी वी सी फॉर कैनरा वी फॉर विजया ठीक है बैंक ऑफ इंडिया से जो एंड करता है वो तो कहाँ पर होते हैं मुंबई में तो ये भी क्लियर है और बहुत गंदा गंदा हो गया है पीपीटी चलो आगे बढ़ते हैं स्क्रीन नेक्स्ट वन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आर लोकेटेड इन नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव जस्ट सीन आई वेव जस्ट सीइंग दैट ओ वेरी गुड 324 पीपल आर लाइव एक सरप्राइज क्वेश्चन भी है लास्ट में तो जाना मत पूरा लास्ट तक देख लेना एक सरप्राइज क्वेश्चन है एंड दैट इज ऑल्सो फॉर द पेपर मतलब वो सरप्राइज क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ऐसे ही डाल दिया हो मैंने थॉट अबाउट इट कुछ स्टैटिक क्वेश्चन बैकग्राउंड में प्रॉब्लम है अच्छा सो वट एवर योर क्वेरी इज प्लीज बेटा आपको कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है प्लीज कॉमेंट बॉक्स में नीचे डाल दिया करो मेरे को पूरी चाट नहीं पढ़ पाती हूँ मैं कई बार तो आप नीचे डाल दिया करो करेक्ट आंसर इज कनाडा वेरी गुड मूविंग अहेड नेक्स्ट वन बुद्ध बिम कल्चरल बुद्ध कल्चरल लैंडस्केप वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट द बुद्ध बिम इज लोकेटेड इन बुध बिम इज लोकेटेड इन जल्दी से वेरी गुड सो अगर आपने देखा हो ये बेसिकली अभी यूनेस्को ने जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ, दो तीन चीजें ऐड करी थी है ना येस वनिष्का वी वोंट वी विल बी प्रोवाइडिंग देंट फॉर ये आई एफ एम एज वेल डोंट वरी बेटा बी क्विक Many people are saying it is Iraq. Be quick. Be very good, very good. Okay, so. द करेक्ट आंसर इज नॉट इराक एंड आई कुड सी मेनी ऑफ यू राइटिंग दैट इराक वाला जो इंक्लूड करा था इट वज बेबी लॉन दैट वज फ्रॉम इराक तुक्का लगाया है याद करके इराक वॉज देयर यूनेस्को है ना द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया दिस इज ऑस्ट्रेलिया एंड इराक वॉज बेबी लॉन ये दोनों ऐड किए गए थे सो बुज बिम इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड बेबी लॉन वज फ्रॉम इराक ठीक है वनिष्का रिप्लाइड यू बेटा एक बार आप सुन भी लो मैंने बोल दिया आपको आप सेम कमेंट लिख रहे हो चलो आगे बढ़ते हैं वेरी गुड स्वाति एंड मेंशन इट करेक्टली पिल्लू करेक्ट तो जो लोग भी बोल रहे हैं मीनू करेक्ट तो इराक वाज बेबीलोन राइट एंड बुजबेम वॉज ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ डेनमार्क बी क्विक

nagar hole national park is nagar Hude, national park is located where very good 332 people are there very good so tomorrow also you will come at the same time 1030 current affairs questions 25 questions kalbi plus a bonus question ठीक है नेक्स्ट वन नगर होड़े नेशनल पार्क इज लोकेटेड वेयर इन कर्नाटका सो आई हैव लर्न दी नेशनल पार्क फ्रॉफ कर्नाटका इन दिस वे मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है आप अपना कुछ भी बना सकते हो मैंने नकाब करके बनाई हुई है ठीक है ये मैंने अपने लिए बनाई हुई है याद रखने के लिए आप अपनी कोई भी ट्रिक बना सकते हो फर्स्ट इज नगरहुडे ए इज अंशी ठीक है के इज कुद्रेमुख बी इज बनेरघट्टा ठीक है एंड अनदर बी इज बंडीपुर नेशनल पार्क दिस इज द वे जैसे मैंने याद करा हुआ है बेटा आप अपनी चॉइस रख सकते हैं ठीक है दिस इज द वे दैट आई हैव लर्न दीज ऑल नेशनल पार्क आर लोकेटेड वेयर इन कर्नाटका नेक्स्ट वन सेला टनल प्रोजेक्ट विच वॉज रिसेंटली इन द्यूज इज बींग बिल्ट इन सेला टनल प्रोजेक्ट जल्दी से सेला टनल प्रोजेक्ट पीएम मोदी ने इनोग्रेट करा था राइट द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश करेक्ट द करेक्ट आंसर इज ऋतु वेरी गुड सो इट इज योर चॉइस बेटा आप कैसे भी याद कर सकते हैं है ना इट इज अरुणाचल प्रदेश इट वॉज इनोग्रेट इन फेब्रवरी टू थाउजेंड नाइनटीन नेक्स्ट वन द रिस बंडीपुर नेशनल पार्क इंपैक्टेड अ वाइड वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना बंडीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट तो बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है फॉरेस्ट फायर पता है ना आपको जंग जैसे अमेजॉन की फॉरेस्ट में भी फायर लग गया था आग लगी थी सिमिलरली बंडीपुर में भी ऐसा होता है लगभग हर साल आग लगती है वहां जंगलों में तो वो बोल रहे हैं ये नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है और ये जस्ट मैंने अभी आपको बताया है ठीक है सचिन मैं रिपीट कर सकती हूं क्वेश्चन बेटा वेरी गुड प्रीतम सॉरी रंजीत बेटा ये आपके आरआरबी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप बिल्कुल चिंता मत करो जल्दी से आंसर करो वेरी गुड क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो बेटा बिल्कुल मजा आएगा इस क्वेश्चन में क्योंकि यू नो मिनट पहले करा है बट स्टिल आई अप्रिशिएट द आंसर इज कर्नाटका ओके आपको ई e ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या आई थिंक बहुत नीचे हो गया है इट इज ई ऑप्शन आई राइट यज कर्नाटका ठीक है द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका दट ई हो सकता है आपको ऑप्शन ना दिख रहा हो ठीक है मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेर इज काना नेशनल पार्क लोकेटेड है बेटा रंजीत वो दिख नहीं रहा था आपको बस ठीक है वेर इज काना नेशनल पार्क वेर इज काना नेशनल पार्क लोकेटेड मध्य प्रदेश तो नेशनल पार्क का गढ़ है बेसिकली बहुत सारे ऑप्शन है हां धर्मेंद्र राइट जो आप ऐसे याद कर सकते हो एम स्क्वायर पी स्क्वायर एस स्क्वायर के वी बी मैंने तो ऐसे याद करा हुआ है एम से है आपका माधव नेशनल पार्क राइट एम से एक और है पी से दो है एस से दो है के वी बी राइट सो इट इज माधव एंड मांडला ठीक है पन्ना और पेच एस से uh, सतपुरा ठीक है और एस से ठीक है एक और है के से काना V से वन विहार और बी से बांधवगढ़ ठीक है तो ये सारे नेशनल पार्क आपके कहां से हैं ये सारे नेशनल पार्क एमपी से हैं ठीक है ऐसे एक तो सतपुड़ा था अच्छा एक मैं भूली गई संजय संजय नाश, गांधी नेशनल पार्क ये सारे नेशनल पार्क कहां से है मध्य प्रदेश से है तो एम पी है ना तो इसमें पी स्क्र एस बी ऐसे याद करा हुआ है ठीक है नेक्स्ट वन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड एट विच प्लेस करेक्ट अंजलि वेरी गुड एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड एट विच प्लेस ये तो इजी है वेरी गुड प्रमोद शिवानी अच्छा ठीक है कैरोलिन कैन वी डिस्कस डैट इन द कमेंट बेटा वेरी गुड जया ओके द करेक्ट आंसर इज सिंगापुर वेरी गुड भरतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस ऑफ नाउ एन इजी क्वेश्चन देखो जहां पर भी वो फीलिंग की बहुत जल्दी से निकल गया उसको आप स्क्रीन शॉट लेके रखना और घर पे याद कर लेना मतलब क्लास खत्म होने के बाद देख लेना एक बार ठीक है भरतनाट्यम सो बेसिकली जब मैं छोटी थी मुझे बहुत टफ होता था ये क्लासिकल डांस फॉर्म याद करने के लिए तो मेरी मम्मा ने मुझे एक ट्रिक बताया था और मैं उसी से आज तक याद रखती हूँ ठीक है सो so, बेसिकली मेरी मम्मा ने मुझे बोला था कि एंड थैंक यू मम्मा सो इट वॉज ये है ना भरतनाट्यम एन एन ए टी मम्मा ने बोला इसको रिप्लेस मतलब इसको रिवर्स करके लिख दो टी एन तो ये क्या हो गया तमिल नाडु ठीक है सो दैट इज हाउ आई हैव लर्न इट तो मैंने बचपन से भरतनाट्यम को ऐसे ही याद करके रखा हुआ है एन ए टी आता है एन ए टी को थोड़ा सा अपोजिट कर दो तो टी ए एन हो जाता है दैट इज तमिलनाडु राइट अगर किसी को मेरी तरह प्रॉब्लम है तो आप वैसे याद कर सकते हो अगर किसी को बहुत अच्छे से आता है तो वेरी गुड राइट सो so, भरतनाट्यम इसके साथ बताओ कथक कहाँ का है कथक इज क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ संगीतन आप बिल्कुल चिंता मत करो यहां पे सही होना हो विल मेक श्योर की एग्जाम में आपका आंसर पक्का हो पक्का सही हो है ना दीपक मेरे को तो बहुत साल हो गए बेटा ठीक है कथक इज क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश वेरी गुड ठीक है नेक्स्ट वन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट वेरी गुड वेरी गुड सो फोर हंड्रेड पीपल आर वॉचिंग द सेशन दैट्स वेरी नाइस बट लाइक अभी भी अच्छा मेरे बोलते ही थ्री ट्वेंटी कर दिया थैंक यू थैंक्स अलॉट सो बेटा दिस इज बेसिकली अ कनेक्शन दैट वी हैव उसी से मुझे पता चलता है लाइक और डिसलाइक से आपकी डिसलाइक भी एक मोटिवेशन है कि चलो मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे से कवर करूंगी जिससे ये डिसलाइक कम हो है ना आप लोगों के लिए बेनिफिट हो वो ही मेन एम है ठीक है थैंक्स ओके uh, सो okay. so, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ये कहाँ पे लोकेटेड है ये महाराष्ट्र में है और काफी इंपॉर्टेंट है यहां पे एक और पोर्ट है मुंबई पोर्ट अच्छा गुजरात में कांडला पोर्ट का नाम क्या है उसको रीनेम कर दिया था ना कांडला पोर्ट को क्या नाम रखा गया था नया धर्मेंद्र बताइए आंसर भी दीजिए बेटा सारांश गुड मॉर्निंग साई थैंक यू देखो पोर्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है कांडला इसका नाम क्या था जल्दी से बताओ दिस इज इन गुजरात इट वाज इन मतलब इसका नाम चेंज कर दिया गया है नाउ द न्यू नेम इज कांडला का नया नाम क्या है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट वेरी गुड डीपीटी है ना नेक्स्ट वन जल्दी से चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी क्योंकि सबरीमला श्री अयप्पा टेम्पल इज लोकेटेड इन ओके प्रीतम आई विल टेक केयर ऑफ दैट यानी देख लिया कमेंट अक्षय बेटा पीडीएफ कोशिश करते हैं कि वीक के वीक के एंड में निकालें ठीक है रैंडम विजिट विद अभी वेरी गुड करेक्ट आंसर राजेश वेरी गुड ओके वेरी गुड दीक्षा करेक्ट योगेंद्र करेक्ट विकास चलो द करेक्ट आंसर इज सबरीमला श्री अयप्पा टेम्पल इट इज इन केरला आज थोड़ा सा इजी रखा था ये टेम्पल मैंने जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे और डीमोटिवेट ना हो जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस जल्दी से बता दो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच प्लेस एक स्टेडियम और बचा है और एक क्वेश्चन और सो हार्डली इट्स अ मैटर ऑफ टू मिनट्स स्टे फॉर टू मिनट्स एंड देन यू कैन लीव फॉर योर अनदर क्लास तो लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में भी कहां पर है वाराणसी ठीक है नेक्स्ट वन बाराबती स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच वेरी गुड

राइट सो नाउ लेट्स क्विकली कम टू दी बोनस क्वेश्चन एक क्वेश्चन और बचा है एंड आई एम श्योर आपको पता है तो अभी अब आपको कॉमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखना अभी कॉमेंट बॉक्स में लिखना बंद कर दो uh, एक मिनट के लिए बंद मेरे को स्क्रीन पे ले आइएगा क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन भी है ओके okay. सो so अभी कुछ आंसर नहीं करना है आर्टिकल 370 सेवेंटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज ग्रांड स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस टू विच स्टेट ये क्वेश्चन का आंसर आपको कॉमन बॉक्स में डालना है इधर नहीं लिखना है प्लीज हाँ मेक श्योर दैट और जाने से पहले कोशिश करो कि लाइक like भी 400 हो जाए आपका भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए और मेरा भी है ना मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे ठीक है तो कल मिलेंगे बेटा फिर से टेन पे एंड वी विल बी डिस्कसिंग करंट अफेयर करंट अफेयर क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ठीक है एंड टेन थर्टी मिलते हैं मैं इसको थोड़ा इधर कर देती हूँ कहीं ऐसा ना हो आपको नहीं पता चल पाए एंड आई विश कि आप सारे बच्चे फिर से आए कल जिससे मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ आर बी आई ग्रेड बी के लिए ठीक है टेन थर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन विच आर इम्पॉर्टेंट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर आर बी आई ग्रेड बी फेज वन और योर आई बी पी एस और आई बी पी एस क्लर्क और योर एनी एल आई सी एनी पेपर ठीक है इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में डालना है यहाँ पर नहीं और लाइक uh, like जरूर कर देना ठीक है भूलना मत कल मिलते हैं उससे पहले को हटा ये uh, एक कोर्स है जो हमने लॉन्च करा है मेरे को स्क्रीन वीडियो हाँ ये चाहिए था थैंक यू टेक्निकल टीम वालों के लिए बिल्कुल तालिया क्योंकि वो इतना काम करते हैं इधर कर दो उधर कर दो यही बोलते रहते हैं हेलो विक्रम राइट सो इधर देख लीजिए बेटा एक बार ये कोर्स है जो फेज़ वन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अभी कुछ क्लासेस की मदद लेना चाहते हैं ये आप देख सकते हैं 300 हंड्रेड आवर्स की इंटरक्टिव क्लासेस है इस कोर्स के अंदर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी रहेगा आपके फुल टेस्ट भी रहेंगे क्वॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश सब पढ़ाया जाएगा अगर क्लास छूट गई है तो रिकॉर्डेड भी दिया जाएगा और पी भी प्रोवाइड किए जाएंगे तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है आपको लगता है कि आप ये थोड़ा थोड़ा करके नहीं पढ़ सकते फटाफट निकालना ही है आपको पेपर फॉर दिस राइट जो लोग थोड़ा सा लेट आए हैं नेहा में पढ़ रही हूँ आपका कॉमेंट किया आप थोड़ा सा लेट आए हैं चिंता मत करो बेटा आप क्या करो आप फिर से वीडियो देखो और जल्दी से सुजीत सुजीत प्रतियोगिता दर्पण आई वुड नॉट से बेटा क्योंकि वो एक साल का जो करंट अफेयर <coughs> सॉरी <coughs> तो आई वुड से कि प्रतियोगिता दर्पण की जगह कोई रीसेंट चार महीने का करंट अफेयर्स देख लो आई होप सुजीत आपको रिप्लाई कर दिया है ठीक है YouTube पे जो हो रहा है वो फ्री है तो दीपक हाय। uh, सुजीत मैंने बेटा आपको रिप्लाई कर दिया है विक्रम आई फॉर श्योर डू दैट डोंट वरी ठीक है मो घोष वेलकम टू सेशन बेटा कल भूलना नहीं आपको साढ़े दस बजे मिलना है ठीक है तो कल मिलते हैं टेन थर्टी पर और करते हैं आपसे थोड़े से और क्वेश्चंस की डिस्कशन आई होप कि आप सब फिर से कल सेम टाइम पर अवेलेबल होंगे और हम आधे से थोड़ा से ज्यादा में सेशन को कंप्लीट कर देंगे तो टेन थर्टी मिलते हैं दोबारा तब तक के लिए बाय ठीक है